Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my YouTube channel. Thought of the day is keep going, everything you need will come to you at the perfect time. You just keep doing your work. Topic of the day is failures of Bohr's theory, orbit and orbital. What is the difference between orbit and orbital? From chapter 2, structure of atom, class 11. So इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे बोहर की जो थ्योरी थी जो हमने पढ़ी थी, बोहर पोस्टुलेट थे जिसमें उसने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था और ऑर्बिट के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं, उस मॉडल की क्या क्या फेलियर्स थे और कैसे उन फेलियर्स को हम नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डी ब्रॉगली रिलेशन की, क्योंकि हम लास्ट और लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर है उसकी ड्यूल नेचर है इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग अ ड्यूल नेचर। एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम इलेक्ट्रॉन की फाइंड नहीं कर सकते एक साथ, क्योंकि एक टाइम पे हम एक ही चीज फाइंड कर सकते हैं एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, जो हमें हाइजेनबर्ग ने बताया था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। सो वन कैन अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, एंड बोहर सेड दैट पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रेस्ड बट ओनली कंसिडरिंग इट्स पार्टिकल नेचर एंड नॉट इन द वेव नेचर। सो उसने बताया कि जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मूव करता है, ऑर्बिट एक फिक्स पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, कहते इसकी कॉन्ट्राडिक्शन होगी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो जस्टिफाई कर रहा है कि एक फिक्स पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स हम उसकी पोजीशन तो जानते हैं तो हम उसका मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था जो हमें हाइजेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल से बताया। सो ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और इस रीजन के कारण, इस कॉन्ट्राडिक्शन के कारण यहाँ पे ये फेलियर बना बोहर के पोस्टुलेट्स के लिए। इसीलिए बोहर ने जो काम किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे फॉर अ वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उसके बाद वो अपनी थ्योरी को और ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाया फॉर द हायर एटम्स फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इस तरह से बोहर की थ्योरी के भी हमने पोस्टुलेट्स आज कवर कर लिए। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है ऑर्बिट के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया, बोहर ने हमें बताया था ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट क्या होता है, एक फिक्स पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये सेंटर न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो पाथ है दिस इज अ ऑर्बिट, जिसको उसने नाम दिया था के एल एम एन शेल के साथ और एन वैल्यू 1, 2, 3। अब कहते हैं ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक रीजन है, क्योंकि जब ऑर्बिट की बेसिकली जब बोहर के पोस्टुलेट की लिमिटेशन आई तो उसमें ऑर्बिट का कंसेप्ट फेल हो गया, तो उसमें हमारा नया कंसेप्ट आया ऑर्बिटल का। नो डाउट वो एग्जिस्ट करता है बट एक्चुअल में पोजीशन फाइंड करने के लिए हेल्पफुल नहीं है। सो ऑर्बिटल क्या था, ऑर्बिटल एक रीजन था अराउंड द न्यूक्लियस टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल। जैसे रीजन था ऑर्बिट, उस रीजन के ऊपर उसने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, पर ऑर्बिटल क्या था, एक रीजन था बिटवीन द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट, दोनों के बीच का रीजन था वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज योर न्यूक्लियस, और यहाँ पे मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए हैं, ये पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और दिस इज अ न्यूक्लियस और दिस इज अ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का जो रीजन है, जो स्पेस है, दिस गैप और स्पेस इज नोन एज योर ऑर्बिटल, और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आप एक टाइम पे या तो इलेक्ट्रॉन की पोजिशन निकाल सकते हो या फिर मोमेंटम। सो एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट का फर्स्ट पॉइंट हमें पता है, इट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इट इज अ फिक्स्ड पाथ। अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल की तो इट इज अ रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इट इज अ स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिट। नेक्स्ट इज ऑर्बिट में डिफरेंस आएगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल का, इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन अ प्लेन, ये प्लेन में जस्टिफाई करता है, बट इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ थ्री डायमेंशनल स्पीसीज और अ थ्री डायमेंशनल ऑर्बिट। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर बट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स,
different orbitals have different shapes. Next is the maximum number of electron which can be accommodated in an orbit is 2n square. But an orbital cannot accommodate more than 2 electrons. Ek orbital mein zara sara 2 electron aa sakte hain, usse zyada electrons nahi aa sakte. Agar hum baat kare orbit ki, they have a directional character but orbitals with the exception of s orbital, baki jitne bhi hamare paas orbitals hain sabke directional character hote hain. ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या होते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. जो आप लोगों को शायद पता हो, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, जिनके नाम पे पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बने हैं, वो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात हो रही है ऑर्बिटल्स में. तो वो थ्री डायमेंशनल हैं और डायरेक्शनल हैं, एक्सेप्ट एस, क्योंकि एस हमारा स्फेरिकल होता है. इसकी शेप्स हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. और ये टॉपिक 3 मार्क्स में आता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स. अब हम करेंगे क्विक रिव्यू इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है और इसमें आपने बहुत सी चीजें नहीं सीखी हैं. तो एक बार रिव्यू करने से आपको चीजें रिमेम्बर हो जाएंगी क्या क्या हम पढ़ चुके हैं. जैसे हम लोगों ने सबसे पहले एनोड रेस के बारे में पढ़ा, कैथोड रेस के बारे में पढ़ा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, देन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस. फिर हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, देन लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मास कैसे फाइंड करना है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वेव थ्योरी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने. देन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी की, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर स्टडी किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जाना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पता किया, प्लैंक्स की थ्योरी देखी, फिर हमने लिमिटेशन देखी वेव थ्योरी की, देन हमने बोहर्स पॉस्टुलेट पढ़े, देन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप, देन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव, देन डिफरेंस बिटवीन ईएम वेव एंड मैटर वेव, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, एंड देन वी स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. आज तक हम इतना पढ़ चुके हैं. अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक्स हैं जो इनके साथ एज सच रिलेटेड नहीं होंगे, इसीलिए मैं आज आपको एक बार रिव्यू दे रही हूँ इस लेक्चर में. सो बाय दिस आई फिनिश माय दिस लेक्चर. See you in the next lecture. Till then, keep watching, like and subscribe my channel. See you in the next lecture.